नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सीरीज़ में आज हम दो टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। पहला, डेन्स, डेनमार्क से जो लोग आए वो डेन्स कहलाए, उन्होंने कैसे अपनी कोठी स्थापित की इंडिया में। और उसके बाद हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में फ्रांसीसियों का जो आगमन हुआ, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो डेनमार्क से जो डेन्स आए, ये ज़्यादा समय तक इनका कार्यकाल नहीं रहा, क्योंकि ये बेसिकली अपने धर्म के प्रचारक के रूप में ज़्यादा मतलब जाने गए, मिशनरीज बनाने के क्षेत्र में। बेसिकली अपने जो अपने क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है उसको फैलाने में ज़्यादा इनका ध्यान रहा। फिर भी इन्होंने 1616 ईस्वी में अपनी कंपनी की, जो डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका फॉर्मेशन किया। और ये तब टाइम है 1616, जब 1615 में आपके थॉमस रो जहांगीर के कोर्ट में, वहाँ पे एज ए मतलब अथोराइज्ड एक्रेडिटेड ब्रिटिश एम्बेसडर वहाँ पे जाके अपने आप को 4 साल तक वहाँ पे रहे थे। तो 1616 ईस्वी में इन्होंने कंपनी का फॉर्मेशन किया। और 1620 ईस्वी में इन्होंने इंडिया में साउथ में आपका पौंडीचेरी के पास ही नीचे एक जगह है, ट्रैंक्विम बैर, आप नाम सुने होंगे, आप एक बार एटलस में देख लीजिएगा, थैंजोर एक जगह है और वहीं पे ट्रैंक्विम बार, ट्रैंक्विम बार में, यहाँ पे इन्होंने अपने जो भी फैक्ट्रीज थे वो इन्होंने वहाँ पे इस्टेब्लिश किया। इनका मेन उद्देश्य क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है उसको आगे बढ़ाना था। बेसिकली ये मिशनरीज एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहे। अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर भी डेनमार्क गए थे, आप लोग न्यूज़ सुने होंगे, तो करंट इवेंट्स पर भी थोड़ा आप नज़र रखे रहिए। स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं जाते हैं तो उसका पीछे का हिस्ट्री बैकग्राउंड ज़रूर पढ़ लीजिए, आपका बहुत आसान होगा समझने में, जानने में भारत से कब से पहले का रिलेशन इन इन देशों के साथ हमारा था, क्या क्या रिलेशन था। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा कुछ ये आगे मतलब कुछ किए नहीं। और ये अगर एज़ पर विकिपीडिया अगर आप देखेंगे तो 1845 में और 1850 में इन्होंने दो कंपनी अपना स्पेशली रजिस्ट्रेशन करवाया था, इनकॉर्पोरेशन किया था। तो इसको ब्रिटिश इंडिया को इन्होंने सेल आउट कर दिया, ब्रिटिश इंडिया को, जो डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश इंडिया को इन्होंने सोल्ड आउट कर दिया। और 1850 उसमें डेनिस गोल्ड कोस्ट था, इसे भी ब्रिटेन को इन्होंने बेच दिया। तो ये आपका डेनमार्क का जो डेन्स थे जो इंडिया में आए, उनका ये इतिहास है। बस आपको इतना याद रखना है कि जैसे पहले पोर्टुगीज़ आए 1498 में, फिर आपके डच आए 1595-96 में, फिर आपके ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी आई ब्रिटेन से 1600 ईस्वी में, वहाँ से चली आई तो 1608-1609 में आपका, और उसके बाद आपके जो चौथे जो आए वो डेनमार्क से आए, डेन्स आए आपके, जो 1616 में आए। तो ये इनका इतना इतिहास है, इसको आप इतना समझ लीजिए। अब आगे हम डिस्कस करेंगे फ्रांस के बारे में। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक है, और फ्रांस काफ़ी कई कई जगह इंडिया में इन्होंने अपने फैक्ट्री इस्टेब्लिश किए, तो इसके बारे में हम समझेंगे। और कर्नाटिक वॉर्स में काफ़ी उनकी अहम भूमिका भी रही, जब कर्नाटिक वॉर्स के हम वीडियोज़ बनाएंगे तो उसको बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा, क्योंकि कर्नाटिक वॉर्स जो है, जो चली थी, 3 कर्नाटिक वॉर हुए थे, और कई बार स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन कंफ्यूजिंग उतना नहीं है जब आप सही तरीके से समझेंगे। तो अब समझते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो ये 1664 का समय था आपका, और उस टाइम जो फ्रांस के राजा थे लुई XIV, ये आपके किंग थे, फ्रांस के राजा थे,
वहाँ पे कोर्ट में एक मिनिस्टर थे आपके, इनका जो नाम था कॉलबर्ट था। इन्होंने क्या किया, एक कंपनी की स्थापना की। कंपनी का नाम क्या था, कॉम्पैग्नी डेस एंडेस ओरिएंटेलिस, कॉम्पैग्नी डेस एंडेस ओरिएंटेल ओरिएंटेलिस, ये फ्रेंच में नाम है आपका। इसका अगर इंग्लिश में आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इनको 50 साल के लिए मोनोपोली राइट्स दिए गए, एकाधिकार मिला कि आप इंडिया, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, भारत हिंद प्रशांत जो आपका क्षेत्र है वहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। पूरा ट्रेडिंग राइट्स जो था पूरा इन्हीं को दिया गया, सारे ट्रेड्स जो भी आप करेंगे आप ही करेंगे 50 साल तक। कोई हमारे देश से भी करेगा तो आप ही के माध्यम से करेगा, सारा एकाधिकार आपके पास रहेगा। तो ये हुआ। अब क्या हुआ कि इसके अलावा कुछ और भी इनको अधिकार दिए गए। अधिकार ये दिया गया कि आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाके वहाँ पे कुछ वहाँ की टेरिटरीज को आप अपने कब्जे में ले सकते हैं। इसी से आपके सीरीज़ में देखेंगे तो आप स्पेशली मेडागास्कर में उन्होंने काफ़ी कोशिश किया कि वहाँ पे अपने कॉलोनीज बनाए, लेकिन वो बना नहीं पाए, ये अलग बात है। लेकिन आज भी अभी आप देखेंगे समझेंगे तो आपका रियूनियन आइलैंड जो है आपका, अगर एटलस में आप देखेंगे तो हिंद महासागर में आपका मेडागास्कर के आगे आपका एक रीयूनियन आइलैंड है, वहाँ पे आज भी लिखा रहता है नीचे फ्रेंच, मतलब फ्रांस का कब्जा आज भी वहाँ पे है। तो फिलहाल इसको आगे बढ़ाते हैं। तो 1667 ईस्वी में आपका, ये आपका टाइम याद रखिएगा, फ्रेंकोइस कैरोन, फ्रेंकोइस कैरोन आपके सूरत में पहली बार फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं 1667 में। ये वो टाइम था जब डचों का और पुर्तगाल और अंग्रेज़ों का एक तरफ से संधि हो जाता है। आप पीछे के वीडियोस के भी जो इंसिडेंट्स मैंने बताए हैं उसको एक बार समझते रहिए कि और भी कई सारे घटनाएं घट रही होती उस समय इंडिया में, वर्ल्ड लेवल पर भी बहुत कुछ विश्व इतिहास में घट रही होती है। लेकिन अभी आप ये समझिए 1667 ये वो टाइम है जब डचों और अंग्रेज़ों के बीच एक तरफ से सुलहनामा हो गया रहता है कि हम आपके मतलब क्षेत्र में बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये तब का टाइम है। अब 1669 में क्या होता है ये समझिए। 1669 में ये क्या करते हैं, एक पर्सियन आपका बिजनेसमैन रहता है मेरकारा, ये बेसिकली ईरान का रहता है पर्शियन, और इसके साथ मिलकर ये क्या करते हैं, एक फैक्ट्री 1669 में मसूलीपट्टनम में ये इस्टेब्लिश करते हैं। ये पर्शियन रहता है इसके साथ आपके फ्रांसिस कैरोन, दोनों जन मिलके मसूलीपट्टनम में एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं। ये आपका हो गया 1669 का मेन घटना। और स्पेशली ये क्या होता है, ये ऐसे तो बनाते नहीं है उस टाइम, ये एरिया आपका गोलकुंडा के मतलब क्षेत्र में आता है, तो वहाँ के सुल्तान से ये परमिशन भी लेते हैं, उसके बाद ये इस्टेब्लिश होता है आपका फैक्ट्री। 1673 में एक चीज़ और होता है, ये बंगाल में जाते हैं आपके, बंगाल में उस समय जो गवर्नर होते हैं वो शाहिस्ता खान होते हैं, वहाँ के सूबेदार, आप पढ़े होंगे मैं प्रीवियस वीडियो में, जो शाहिस्ता खान होते हैं उनका एक तरफ से उस टाइम अंग्रेज़ों के साथ थोड़ा मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता, अब देखिएगा उसमें मैंने बकायदे उसमें मैं मेंशन किया हुआ है। और इस फील्ड में क्या करते हैं, बोलते हैं कि हमें भी और कंपटीटर्स को अलाउ करना चाहिए कि वो यहाँ पे आके अपना
फैक्ट्री खोलें। अंग्रेजों से कहीं ना कहीं जो मुगल रहते हैं वो डिस्टर्ब भी रहते हैं, वसूली भी करते हैं, डिस्टर्ब भी रहते हैं, इलीगल तरीके से कस्टम्स वगैरह सब वसूली भी करते हैं और आपके डिस्टर्ब भी रहते हैं। तो कंपटीशन को देखते हुए इन्होंने वहाँ के जो आपके सूबेदार होते हैं बंगाल के शाहिस्ता खान, ये इनको फ्रांसीसियों को एक अथॉरिटी दे देते हैं कि आप चंदर नगर में, ये कलकत्ता के पास ही जगह है, चंदर नगर में आप अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर लीजिए। ये सब पहले बंगाल प्रोविंस में सारी चीज़ें थी। ठीक है दोस्तों, अब ये आपका हो गया बंगाल में इस्टेब्लिश कर लिए, मसूलीपट्टनम में इस्टेब्लिश कर लिए। अब आते हैं पौंडीचेरी के बारे में। पौंडीचेरी अब इसका नाम पुडुचेरी हो गया है। कराईकल यनम माहे, तीन आपके जो शहर हैं वो इसमें पौंडीचेरी में आपके आते हैं। अब ये घटना है आपके 1673 की ही घटना है। आपके जो मसूली पट्टनम के जो फैक्ट्री के जो डायरेक्टर रहते हैं उनका नाम रहता है फ्रेंकोइस मार्टिन। ये डायरेक्टर रहते हैं कहाँ के, मसूली पट्टनम के फैक्ट्री के ये डायरेक्टर रहते हैं। ठीक, ये आप दिमाग में रख लीजिए। तो ये क्या करते हैं, जो गवर्नर होते हैं आपके वहाँ के वालिकोंडापुरम, ये बीजापुर के सुल्तान के अंडर में एरिया रहता है पौंडीचेरी जो होता है। पौंडीचेरी बेसिकली बीजापुर के सुल्तान के अंडर में ही ये पूरा एरिया रहता है। इसका उस जगह का नाम होता है वालिकोंडापुरम। ये एरिया होता है और वहाँ के जो आपके जो गवर्नर होते हैं शेर खान लोदी नाम रहता है, उनसे ये 1674 ईस्वी में एक परमिशन ले लेते हैं और पौंडीचेरी में कि हमें यहाँ पे सेटलमेंट का मतलब आप अनुमति प्रदान कीजिए, तो यहाँ पे अपने आपको सेटलमेंट इनको करने की अनुमति मिल जाती है, परमिशन मिल जाती है। ये हो गया आपका, इस तरह पौंडीचेरी में अपना ये अपना एक तरफ से परमानेंट सेटलमेंट ही अपने आप को स्थापित करते हैं, काफ़ी डेवलप भी करते हैं। एक काम और हो जाता है कि इस परमिशन के मिलने के बाद 1674 ईस्वी में जो आपके फ्रैंकोइस मार्टिन जो पहले आपके ये जो गवर्नर बन के आए रहते हैं इनको रिप्लेस करके 1674 ईस्वी में आपके फ्रैंकोइस कैरोन जो आपके पहले आपके जो गवर्नर रहते हैं फ्रांस के, इनको रिप्लेस करके 1674 ईस्वी में फ्रैंकोइस मार्टिन जो है गवर्नर बन जाते हैं। तो ये हो गया आपका। लेकिन डचों का भले ही अंग्रेजों के साथ तो मतलब एक तरफ से सुलह हो गया था, लेकिन अब फ्रांसीसियों के ऊपर वो देख रहे थे कि ये अपने आप धीरे धीरे इस्टेब्लिश कर रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, तो कंपटीशन उनको अब खुद में एक इनसिक्योरिटी फील होने लगती है। तो डच क्या करते हैं, अच्छा या पौंडीचेरी में अपने सेटलमेंट को इस्टेब्लिश करने के बाद काफ़ी उसको डेवलप करते हैं और धीरे धीरे माहे, कराईकल, बालेश्वर, ये सब जो जगह है आपका माहे, कराईकल, उड़ीसा में बालेश्वर है, ये सब जो जगह हो गया आपका, चाहे कासिम बाजार हो गया बंगाल का, इन सब जगह में अपना पूरा एक तरफ से फैक्ट्री बनाते हैं, ट्रेडिंग सेंटर बनाते हैं, यहाँ से ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, बहुत कुछ मतलब ये सब इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बन जाता है एक तरफ से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। और डचों को कहीं ना कहीं खुद में एक इनसिक्योरिटी फील होने लगती है। तो अब वो क्या करते हैं, डचों की अब एक तरफ से लड़ाई शुरू हो जाती है फ्रांस के साथ, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। अब इसमें ये क्या होता है कि 1693 ईस्वी में डच एंड फ्रेंच इसमें वॉर शुरू हो जाता है, लड़ाई। इसमें क्या होता है कि डच जो होते हैं जीत जाते हैं,
जब जीत जाते हैं तो पौंडीचेरी पे डचों का कब्जा हो जाता है, एक्वायर। ये करीब करीब आप मान के चलिए 4 साल तक ये कब्जा किए रहते हैं। फाइनली 1697 में एक संधि होती है, इस ट्रीटी का नाम होता है ट्रीटी ऑफ रेस्विक, संधि रेस्विक। ट्रीटी ऑफ रेस्विक इसको कहा जाता है, RYSWICK। इस संधि के तहत फिर से फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी वापस दे दिया जाता है, लेकिन तभी 2 साल तक कब्जा ये डच जो है उस पर अपना आधिपत्य जमाए रहते हैं। फाइनली क्या होता है कि पौंडीचेरी को फिर से आपके जो फ्रांसिस मार्टिन रहते हैं इसको काफ़ी डेवलप करते हैं, फ्रैंकोइस मार्टिन। और लेकिन एक चीज़ ये हो जाती है कि 1600 आपके 1706 में 31 दिसंबर में आपके फ्रैंकोइस मार्टिन की मृत्यु हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा एक तरफ से सेटबैक लगता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। एक चीज़ और होता है इस कड़ी में, वो आपका ये होता है कि आपका 17वीं 18वीं शताब्दी के आसपास जो यूरोप में स्पेनिश सक्सेशन का एक उत्तराधिकारी का यूरोप में एक तरफ से वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाता है ऑस्ट्रेलिया को लेके, और भी बहुत कुछ वहाँ पर उत्तराधिकारी को लेकर लड़ाई यूरोप एरिया में, यूरोप के क्षेत्र में शुरू हो जाता है। 1688 के आसपास ये शुरू होता है आपका, जिसके चलते जिसका एक अच्छा खासा एक बहुत ही बुरा असर फ्रांस पे पड़ता है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पे पड़ता है। जिसके चलते ये क्या करते हैं कि अपना धीरे धीरे जो भी अपने जो सूरत में, मसूली पट्टनम में, चाहे बांटम में, जहाँ भी आपका इंडोनेशिया के आसपास जहाँ भी इनके जो ट्रेडिंग सेंटर्स हैं उनको ये बंद भी करना पड़ जाता है। तो ये और फाइनली जब फ्रैंकोइस मार्टिन का डेथ हो जाता है तो एक तरफ से मतलब बहुत बड़ा एक सेटबैक लग जाता है। तब इसमें एक बात फिर बीच में एक तरफ से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक तरफ से ट्रेड मतलब बीच में काफ़ी बाधित रहता है। लेकिन फिलहाल इस वीडियो को हम इतने तक रखते हैं, बाकी तो हम आगे वीडियो में जब कर्नाटिक वॉर का जब डिस्कशन करेंगे तो पूरे डिटेल्स में बताएंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग वो वीडियो आपको लगेगा। हाँ बस इतना ये होता है कि 1720 ईस्वी में फिर से अपने कंपनी को ये रीनेम करते हैं। कब करते हैं? 1720 ईस्वी में, और इसका नाम परपेचुअल कंपनी ऑफ द इंडस रखते हैं। ऑफ द इंडीज ये आपका कंपनी का नाम हो जाता है, और फिर ये अपने आप को रिवाइव करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, जिसमें दो मेन गवर्नर आपके आते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया मतलब फ्रांस की तरफ से, जिनका नाम लेनॉयर और ड्यूमास रहता है। यहां मैं लिख देता हूं, ये आपका 1720 में आते हैं, ये 1742 में आते हैं। और उसके बाद दो जगह स्पेशली फ्रांस जब अपने आप को अपनी कॉलोनी बनाने में कामयाब होती है, एक होता है आपका मॉरिशस और दूसरा आपका होता है रियूनियन आइलैंड। आप एटलस में देख लीजिएगा, मॉरिशस और रीयूनियन, ये दोनों जो आइलैंड हैं दोनों आसपास ही हैं, हिंद महासागर में हैं, मेडागास्कर के पास हैं आगे आपका। और उसके बाद फिर से फ्रेंच जो हैं अपने आप को फिर से आगे बढ़ाते हैं, फिर से अपने ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को फिर से धीरे धीरे फिर पटरी पे आती है। तो आज के लिए ये वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, बाकी कल नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्नेटिक वॉर्स के बारे में, कैसे 3 कार्नेटिक वॉर्स हुए और उनका मेन कारण क्या था, यूरोप से कैसे वो कनेक्टेड था और इंडिया में क्या चल रहा था। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको लगेगा, तो उसको ध्यान से आप समझिएगा। मुझे उम्मीद है कि उसको समझने के बाद आपको फिर दोबारा कार्नेटिक वॉर्स को लेकर कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, आपके सजेशंस का मुझे इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।